हाई माई लवलीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। सो आज मैं करने वाली हूँ एक काफ़ी क्यूट एंड एस्थेटिक विंटर हॉल। सो ये मेरा फर्स्ट विंटर हॉल होने वाला है ऑफ दिस सीजन। विंटर्स ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके हैं एंड दिल्ली में इतनी ठंड पड़ने लग गई है, आई कांट इवन टेल यू। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी मी इन टेडी स्वेटशर्ट्स या टेडी जैकेट्स इन विंटर्स। एंड ऑनेस्टली विंटर्स आते ही मैं एकदम ऐसे टेडी वेयर बन जाती हूँ। बहुत ही क्यूट स्टफ मैंने पिक किया है इस बार मिंत्रा से। ऑल्सो मैंने कुछ भी अभी तक ऐसे पहन नहीं देखा है एक्सेप्ट टू प्रोडक्ट्स एंड देयर आर टोटल 10 प्रोडक्ट्स। सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं इस स्वेटशर्ट से। यार ये स्वेटशर्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इट्स लाइक अ क्रॉप्ड स्वेटशर्ट इन वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स व्हिच इज ब्लैक। एंड इसमें जो लिखा हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगता है, डार्लिंग आई एम अ नाइटमेयर ड्रेस्ड लाइक अ डे ड्रीम। आई होप ये लिखा है, हाँ मैं भूली नहीं। सो यू नो इट्स लाइक अ वेरी गुड क्वालिटी, वेरी वेरी कम्फर्टेबल। ऐसे ड्रॉप शोल्डर टाइप की डिटेलिंग है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इट्स लाइक अ नाइस बॉक्सी क्रॉप स्वेटशर्ट व्हिच आई रियली लव। नाउ इसके अंदर वो वॉर्म वाला मटेरियल नहीं है, बट डेफिनेटली यू कैन यूज इट फॉर लेयरिंग। मतलब यू नो अपने जैकेट्स वगैरह के नीचे आप ये इस टाइप की स्वेटशर्ट्स पहन सकते हो। सो या दिस इज अ फर्स्ट स्वेटशर्ट दैट आई गॉट। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने ली थी वो बहुत टाइम पहले ली थी। बेसिकली ये सारा सामान अभी रिसेंटली ऑर्डर करा है एंड ये वाला आई थिंक कुछ एक दो हफ्ते पहले ऑर्डर किया था मैंने ये जैकेट। एंड ये जैकेट इतना ज़्यादा पूछा जा रहा था ना कि मतलब कहाँ से लिए। स्पेशली मैंने अपने लास्ट दो तीन ऐसे शॉर्ट वीडियोज में ये वाली जैकेट पहनी हुई है एंड मुझे इतने कमेंट्स आते थे हर शॉर्ट्स पे कि ये जैकेट कहाँ से है, दिस स्टडी जैकेट। सो दिस इज फ्रॉम Myntra and it's from a brand called Here and Now and this is what it looks like. It's like a nice cozy teddy jacket which I absolutely love. Literally इसका color भी ऐसे teddy bear वाला ही है and it comes with a zipper over here. A really nice good quality jacket which will keep you warm. So इसका ना यहाँ पर दो ऐसे pockets भी दिए हुए हैं which I really like. ये मैंने लिया है size L में क्योंकि मुझे अंदर से thermal then sweatshirt या pullover कुछ ऐसा पहनना पड़ता है, मुझे बहुत ठंड लगती है। सो इसलिए मैंने ये एक साइज़ बड़ा लिया है सो दैट यू नो मैं अच्छे से अंदर लेयरिंग वगैरह कर पाऊँ एंड इट इज़ जस्ट सो गुड। एंड ये आई थिंक कुछ 1100-1200 रुपीज़ की थी विच आई थिंक इज़ अ स्टील डील। जो अगली चीज़ मैंने ली है गाइज वो है ये टर्टल नेक सॉर्ट ऑफ स्वेटर। बेसिकली टर्टल नेक है एंड इट्स लाइक अ वेरी सीमलेस टर्टल नेक, मतलब ऐसे राउंड करने वाला टर्टल नेक नहीं है ये। एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा मुझको एंड ऑफकोर्स ये स्ट्रेचेबल है। सो बेसिकली यू नो यू कैन वेयर थर्मल अंदर एंड उसके ऊपर से यू कैन वेयर दिस, उसके ऊपर जितना आप लेयर करना चाहो कर सकते हो। सो ये काफ़ी सुंदर सा ऐसा यू नो बेबी पिंक कलर है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी बॉडी हगिंग। आई डाउट इफ आई कैन वेयर माई थर्मल इन साइड, आई डोंट नो। एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी एज वेल, मतलब इट्स नॉट वन ऑफ दोज अजीब वाला क्वालिटी, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी टर्टल नेक। जस्ट लुक एट दैट, बहुत ज्यादा अच्छे से रिप्ड पैटर्न में दिया हुआ है। मेरे पास इस कलर में एक भी टर्टल नेक नहीं था। दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड स्ट्रीट 9 एंड माय साइज इज मीडियम। अगला चलते हैं हम लोग इस वाले पुलओवर पे एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा पुलओवर है एंड इस पे ना ये कुछ तो ऐसा डिजाइन सा बना हुआ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मस्टर्ड येलो कलर एंड इट इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड ड्रेस बेरी। नाउ इसका ये जो आगे का डिज़ाइन है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जस्ट लुक एट दैट, इट लुक्स रियली नाइस एंड क्यूट एंड माई साइज इज मीडियम। ये काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर अगेन थर्मल पहन लो, ऊपर से जैकेट पहन लो एंड यू विल बी गुड टू गो। इट इज़ नॉट दोज चुभने वाला मटीरियल। अगर चुभने वाला मटीरियल होता ना मैं अभी तक सोच चुकी होती इसको रिटर्न करने के लिए बिकॉज आई जस्ट हेट वो चुभने वाले विंटर क्लोथ्स। मैं नहीं पहन पाती हूँ यार, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। नाउ बिफोर यू गाइस आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन की शिवानी तुमने कौन सी लिपस्टिक लगाई हुई है, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। बेसिकली मैंने दो लिपस्टिक शेड्स मिक्स करे हैं एंड इट्स द मामाअर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। दिस इज व्हाट द पैकेजिंग लुक्स लाइक। दीज आर माई ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक्स यू गाइज। सो बेसिकली मैंने दो शेड्स लगाए हुए हैं। द फर्स्ट शेड दैट आई एम वेयरिंग इज 05 बबल गम न्यूड एंड उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए मैंने लगाया है 09 एक्सप्रेसो ब्राउन। मुझे दोनों ही शेड्स अपने अपने जगह बहुत अच्छे लगते हैं। दीज आर लाइक माई करंट फेवरेट एवरीडे वेयर लिपस्टिक्स एज वेल। दीज लिपस्टिक्स ग्लाइड सो स्मूथली यू गाइस, दे आर सो पिगमेंटेड एज वेल। नाउ इनमें एवोकाडो ऑयल है एंड विटामिन ई है। सो एवोकाडो ऑयल जो होता है ना इट कीप माई लिप्स मॉइस्चराइज्ड एंड विटामिन ई हेल्प्स टू प्रिवेंट पिगमेंटेशन। ये लिपस्टिक लगाते के साथ ही बहुत मॉइस्चराइजिंग फील होती है बिकॉज इट गिव्स अ मॉइस्चर लुक फॉर 8 hours एंड हैज अ 12 hours लॉन्ग स्टे एज वेल। और अभी लिपस्टिक्स आती है 13 ब्यूटीफुल शेड्स में एंड अभी मेरे पास करंटली 12 शेड्स है आउट ऑफ विच ये दोनों
दोनों मेरे पर्सनल फेवरेट है, विच इज बबलगम न्यूड एंड एस्प्रेसो ब्राउन. लाइक आई सेड, आई लव कार्नेशन न्यूड एज वेल. हाउ कैन आई फॉरगेट दिस? अगर आप भी लिपस्टिक्स लगाते हो, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन रिलेट टू मी कि कितनी ज्यादा लाइट वेट लगती है लिप्स पे. एंड दे हैव अ नॉन ड्राइंग फॉर्मुला एज वेल. दे आर वेरी कंफर्टेबल टू वेयर ओवरऑल. द बेस्ट पार्ट इज कि एक बार लिपस्टिक सेटल हो जाती है ना, इट लिटरली बिकम्स स्मच प्रूफ. मतलब यू गाइस कैन सी देयर इज नो ट्रांसफर. द लिपस्टिक डिड नॉट स्मज एट ऑल. ऑल्सो दे आर मेड सेफ, सर्टिफाइड एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. इनफैक्ट ऑल मामर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड दे आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. सो अगर आपको ये ट्राई करनी है, यू कैन यूज माय कोड राइट हियर टू गेट अ 20% ऑफ ऑन मामर्थ्स ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप. ऑल्सो यू कैन फाइंड मामर्थ प्रोडक्ट्स ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मामर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड देयर ऐप एज वेल. सो अगर आप मामर्थ से बाय करते हो ना, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. एंड बाय 2025 they are aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. Also, I'm very excited to tell you guys ke Mamaearth ne launch kar diya hai apna goodness insider program, which is like a loyalty program crafted for everyone, jisme aapko milegi free shipping and free gifts on every order that you place and exclusive sales and offers as well only for insiders. So goodness insider banne ka link main niche aapke liye description box mein mention kar dungi along with the lipsticks ka link as well. Definitely check these out. And yeah, let's continue with the haul. So agli cheez jo maine li hai guys wo hai स्वेट शर्ट. एंड ये है फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड ड्रेसबेरी अगेन. एंड मैंने लिए लार्ज साइज में. एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ नाइस कलर ब्लॉकिंग स्वेट शर्ट विच आई रियली लाइक. एंड इस पे लिखा है ग्रो विद द फ्लो. आई एम डेफिनेटली ग्रोइंग विद द फ्लो, सो आई कुड रिलेट टू इट. दैट इज व्हाई आई जस्ट थॉट ऑफ यू नो ऑर्डरिंग दिस स्वेट शर्ट एज वेल. तो मुझे थोड़ा सा इसका इशू लग रहा है कि ये जो ग्रीन कलर है ना, यहाँ पर भी आया हुआ है, व्हाइट एरिया पे हल्का सा आया हुआ है. एंड आई डाउट कि निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा. सो आई थिंक आई विल एक्सचेंज दिस वन. बट अदर देन दैट आई रियली लाइक द क्वालिटी. इट लुक्स रियली नाइस एंड कूल. उसके बाद चलते हैं इस पफर जैकेट पे. ये बहुत ही नाइस क्वालिटी की है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड मैंने इसको मंगवाया है एक पिस्ता ग्रीन कलर में, बिकॉज मुझे कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था ऑन द मॉडल एज वेल, आई मीन ऑन द वेबसाइट. तो ये मैंने मंगवा ली है मीडियम साइज में, लेकिन नाउ आई रियलाइज कि मुझे थोड़ी सी छोटी है स्पेशली फ्रॉम द स्लीव. बट अगर मैं जैकेट की लेंथ की बात करूँ, लेंथ में इट इज परफेक्ट. इट इज लाइक अ नाइस क्रॉप्ड पफर जैकेट. एंड मेरे पास ऑलरेडी एक रेगुलर लेंथ की पफर जैकेट है इन अ पिंक कलर, इसलिए मैंने ये वाला इस बार क्रॉप्ड पफर जैकेट लिया है. एंड अंदर से इट इज रियली गुड क्वालिटी. एंड सामने इसके दो ऐसे पॉकेट्स दी हुई है गाइस, बहुत ही बढ़िया. आई कैन गारंटी, आई कैन अश्योर यू कि पफर जैकेट्स में आपको ठंड नहीं लगेगी. सो पफर जैकेट्स मतलब लिटरली जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती ना, आई लिव इन पफर जैकेट्स. मुझे उनके सिवा आई फील के उनके सिवा मेरा और कोई ठंड ही नहीं रोक पाती है. सो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली है, इट्स लाइक अ रियली नाइस वार्म पुलओवर फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड रोडस्टर. एंड इट्स इन द साइज मीडियम. ना मुझे इसका यू नो प्रिंट बहुत अच्छा लगा. इट्स लाइक अ नाइस किंगम प्रिंट, जैसे कोरियन लोग भी कपड़े पहनते हैं, कुछ वैसा टाइप का मुझे वाइब आ रहा था इसमें से. सो मैंने सोचा कि यार ये भी ले लेती हूँ, बिकॉज ओवरऑल काफ़ी अच्छा है. इट्स लाइक अ नाइस अगेन बॉक्सी क्रॉप्ड पुल ओवर. क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है. डेफिनेटली अ नाइस वार्म मटीरियल एंड सॉफ्ट एज वेल. मतलब ये अगेन वो चुभने वाला स्वेटर नहीं है. आई हेट चुभने वाले कपड़े. तो इसके कुछ इस तरह से स्लीव्स है, लाइक अ नाइस ड्रॉप शोल्डर जैसे मेरा इस स्वेटशर्ट का है. आई एम श्योर अभी इसका दिख नहीं रहा होगा बिकॉज इट्स ऑल ब्लैक, बट एनीवेज यू गेट द पॉइंट राइट. नीचे का इसका ये डिटेलिंग भी मुझे काफी अच्छा लगा, व्हाइट एंड देन ऑन द स्लीव्स एज वेल. नेक्स्ट चीज जो मैंने लिया गाइज वो है ये टर्टल नेक का ओवरसाइज्ड स्वेटर या पुलओवर अगेन. इसका मुझे थोड़ा सा वो इरिटेटिंग वाला मटेरियल लग रहा है, सो आई माइट रिटर्न दिस अगेन. आई एम नॉट श्योर. ऑल्सो इट इज लाइक जस्ट लुक एट योर सेल्फ कि कितना ज्यादा ऐसा ओवर साइज्ड है. एंड मैंने बेसिकली लिया था मीडियम साइज में. सो मैं बेसिकली स्मॉल या मीडियम ही ऑर्डर करती हूँ व्हेन इट कम्स टू स्वेटशर्ट्स या फिर पुलओवर्स. बट यार ये मीडियम साइज ना कुछ ज्यादा ही ओवर साइज्ड है. सो मेरे को तो ऐसा लगता है देख के कि मुझे ना स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल आने वाला है अगर मुझे एक रेगुलर फिट चाहिए तो. स्टिल आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या करने वाली हूँ इसके साथ, बिकॉज मटीरियल मुझे थोड़ा सा लग रहा है. आई लव द कलर दो. आई गॉट इट जस्ट फॉर द कलर एंड इट हैज़ द सेम नाइस रिप्ड पैटर्न यू गाइस कैन सी. सो मुझे लग तो काफ़ी अच्छा रहा है, इसका कलर काफ़ी अच्छा है एंड यू नो इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा है. बट शायद से मैं हो सकता है कि एक्सचेंज करा के देखूंगी, सही लगा तो ठीक है, अदरवाइज आई विल रिटर्न इट. उसके बाद चलते हैं अपने एक और स्वेटशर्ट पे. आई होप इट्स अ स्वेटशर्ट. या इट्स फ्रॉम मार्क्स एंड हार्बर एंड इट्स इन द साइज मीडियम. सो बेसिकली मुझे ना अपने विंटर वार्डरोब में ऐसे पॉप ऑफ कलर्स ऐड करने थे, बिकॉज
यूजली विंटर वार्डरोब ना सबका ऐसा बेसिक सा होता है, बट ये लाइक एवे से कलर्स होते हैं, डल डल कलर्स होते हैं, डार्क कलर्स होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मी आई जस्ट लव वेयरिंग ब्राइट कलर्स अलॉन्ग विद पेस्टल्स इन विंटर. तो ये वाला एक रेड कलर का स्वेट शर्ट है एंड इसका ना नेक डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छा लगा. सो इट सेज नो बैड डेज, यहाँ पर पूरे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, नो बैड डेज नो बैड डेज. तो मुझको ना ये चीज बहुत अच्छी लगती थी. प्लस इसका ना यहाँ पर ऐसा ये डिटेलिंग है, ठीक है, तो इस वजह से ना एक स्पोर्टी लुक भी आ जाती है. एंड वैसे तो ये पूरी प्लेन स्वेटशर्ट है आगे से एंड पीछे से, बट मुझको ना ये नेक डिटेलिंग बहुत अच्छी लगी एंड ये वाली डिटेलिंग बड़ी स्पोर्टी सी लगी. इसका क्वालिटी इज अगेन रियली गुड एंड रियली नाइस. नाउ गाइस, एक चीज मैं आपको हॉल के स्टार्टिंग में बताना भूल गई, इट्स बेसिकली अ स्वेटशर्ट एंड पुलओवर स्लैश स्वेटर हॉल. मैं बॉटम्स बहुत कम बाय करती हूँ बिकॉज यू नो अपने डेनिम्स ही काम आ जाते हैं. डेनिम्स के नीचे अपना वही ब्लैक वाला लेगिंग पहनो, वॉर्म वाले लेगिंग्स पहनो एंड यू वुड बी गुड टू गो. तो कुछ ऐसा बॉटम वेयर की शॉपिंग नहीं होती है मेरी, मोस्टली अपर वेयर की ही शॉपिंग होती है. सो दिस इज अनदर स्वेट शर्ट फ्रॉम रोडस्टर. अगेन मैंने मीडियम साइज लिया है एंड इट्स अ नाइस कलर ब्लॉकिंग स्वेट शर्ट. मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली भी, लाइक अ नाइस लैवेंडर एंड वाइट का कॉम्बो. गाइज दिस लुक सो क्यूट. अगेन इसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है, वेरी वेरी गुड एंड सॉफ्ट. हल्की सी मुझे ओवरसाइज लग रही है, नॉट श्योर, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रेगुलर साइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो या दैट्स अ स्वेट शर्ट. लव कलर ब्लॉकिंग. आजकल कलर ब्लॉकिंग मतलब वैसे तो आई डोंट नो कि अभी लोग इतना ज्यादा पहन रहे हैं नहीं पहन रहे, बट आई एम ऑब्सेसिंग ओवर कलर ब्लॉकिंग. तो यहाँ पर आ चुका है अपना लास्ट आइटम ऑफ द हॉल एंड ये एक बहुत ही क्यूट ऐसे कोरियन इंस्पायर्ड पुलओवर है इन अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक कलर. एंड ये वाला कौन सी ब्रांड का है यार, मार्सन हाबो एंड इट्स इन द साइज मीडियम. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. मैंने आपके साथ पहली बार ही देखा यार, कितना क्यूट है, आई लव इट, काफी सुंदर लग रहा है. एंड इसके ऊपर पूरे से हार्ट्स 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 बने हुए हैं. एंड नो, मैंने ये वैलेंटाइंस डे के लिए नहीं मंगवाया है, मैंने जस्ट ये इसलिए मंगवाया है क्योंकि मुझे प्रिंट अच्छा लग रहा था यार. ओके, सो पीछे की तरफ वो प्रिंट नहीं है बट स्लीव्स पे है आगे पीछे ना सेम हार्ट वाला प्रिंट. एंड इसका जो कपड़ा है इट इज लाइक अ नाइस वार्म वाला स्वेटर वाला फैब्रिक, नहीं होता वो ही है. इस टाइप का नेक भी दिया हुआ है, नॉट एग्जैक्टली अ टर्टल नेक बट थोड़ा ऐसे वाला जो डिटेलिंग नहीं होती है वो दिया हुआ इंस्टेड ऑफ अ राउंड नेक. सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर माय विंटर वेयर हॉल फ्रॉम मिंत्रा. अगर आपको कुछ भी चेकआउट करना है आई विल बी मेंशनिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइज. मुझे बताना कि आपको मेरा हॉल कैसा लगा, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ कलर्स, वी हैव पेस्टल्स, वी हैव म्यूटेड टोन्स, वी हैव प्रिंट्स, वी हैव ब्राइट कलर्स, लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. सो आई होप आपको ये हॉल अच्छा लगा हो. एंड ऑल्सो गाइज, माई लिपस्टिक इज स्टिल इंटैक्ट. मैं लिटरली वीडियो बनाते बनाते ना फ्रूट्स खा रही थी पूरे टाइम एंड लगातार चरने के बाद माई लिपस्टिक इज स्टिल देयर. आई एम रियली सरप्राइज विद द फॉर्मुला. डेफिनेटली चेक आउट मामर्थ मॉइस्चर मैट लिपस्टिक, आई जस्ट लव दीज लिपस्टिक्स. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज मेक श्योर गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. लेट्स गेट कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज शिवानी तनेजा ऑफिशियल. एंड येस, आई शिल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. चिल्ड्रन यू ऑल प्लीज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स. बाय बाय.